अनुपमा देगी अनुज को गुड न्यूज, मीनू पर शादी का दबाव बनाएगी लीला, चोरी से मेगा के घर में घुस जाएगी अनुपमा। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर हमारा खास शो, जो आपको एंटरटेनमेंट की खबरों से गुदगुदाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आज हम बात करेंगे रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना के शो के, रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना का स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनु ये सोच सोच कर परेशान होगी कि आखिर उसकी बेटी आद्या मेगा के घर में क्या कर रही है। इधर आद्या के दिमाग में लगातार ढेरों सवाल चल रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ आद्या को ये उम्मीद है कि उसकी माँ उसे यहाँ से ले जाए। उधर मेगा को ये फिक्र है कि कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए वो अपने पति से जिद करेगी कि वो फार्म हाउस चले, लेकिन वो काम का हवाला देते हुए मना कर देगा। इसी के बाद अनुपमा जब घर जाकर अनुज को बताएगी कि वो आद्या से मिली, तो वो पूछेगा कि अनु उसे साथ में वापस क्यों नहीं लाई। अनुपमा समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन अनुज चिल्लाने लगेगा। वो अपना बर्थडे मनाने से इनकार कर देगा और कहेगा कि अनुपमा झूठ बोलती है और उसे बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं है। बावजूद अनुज के गुस्से के, अनुपमा तय करेगी कि वो मेघा और डीन से बात करेगी और कोई ना कोई हल जरूर निकालेगी और आद्या को उसके पास वापस लाएगी और उसके पॉप से मिलवा देगी। उधर शाह निवास में मीनू के प्यार के दुश्मन बन जाएंगे वनराज और लीला। लीला अपने बेटे की बात मानते हुए मीनू पर शादी के लिए दबाव बनाएगी, तो वही मीनू साफ इनकार कर देगी, तो लीला फिर उसे और दबाव बनाएगी। किंजल बीच में दखल देगी और कहेगी कि मीनू पर शादी के लिए दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। लीला कहेगी कि मीनू की शादी का फैसला वनराज ने किया है, तो किंजल तब तो मीनू को बचा लेगी, लेकिन लीला उससे कहेगी कि वो कुछ भी करके मीनू की शादी के लिए उसे राजी करे। तोशु और पाकी को उधर शक हो चला है कि किंजल मीनू को सपोर्ट करती है। अनुपमा फिर एक बार डीन के घर जाकर माहौल का जायजा लेने का कोशिश करेगी। उसे पता चलेगा कि मेघा और डीन आद्या के घर पर अकेला छोड़कर कहीं गए हैं। अनुपमा किसी तरह मेघा के घर में घुस जाएगी और वहां पर मेघा और आद्या की तस्वीर देखकर हैरान होगी। इधर मीनू जाकर सागर को बताएगी कैसे उसके परिवार वाले उसकी शादी की बात चला रहे हैं। सागर दिखावा करेगा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में अकेले में रोएगा। उधर मीनू का भी दिल टूट जाएगा और वो किसी और से शादी के लिए राजी हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि क्या यही खत्म हो जाएगी सागर और मीनू की लव स्टोरी और क्या आद्या को वापस मिलेगी उसकी हैप्पी फैमिली। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।